हे दोस्तों, 2024 में अगर मुझे खुद का अपना एक और YouTube चैनल क्रिएट करना होगा तो मैं पक्का पक्का एक चीज़ करूँगा। आपको पता है वो क्या चीज़ करूँगा जो मैंने पहले नहीं करी? वो है जितना हो सकता है उतना AI के बेस पे पूरा चैनल क्रिएट करना। मतलब जैसे कि आपको पता ही होगा, कंटेंट क्रिएट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है। वॉइस ओवर करना पड़ता है, स्क्रिप्ट लिखनी पड़ती है, एडिटिंग करनी पड़ती है, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है, तब जाके आपका कंटेंट बनता है। अब यूजुअली ट्रेडिशनल तरीके से जो लोग कंटेंट क्रिएट करते हैं उसमें लोग स्टार्ट से एंड तक सारी चीज़ें खुद करते हैं। बट अगर 2024 में मुझे वापस से मौका मिलता है एक चैनल क्रिएट करने का, तो मैं ये चीज़ करता कि इन जितने भी स्टेप्स हैं, अगर स्पेसिफिकली हम स्टेप्स को देखा जाए तो 9 स्टेप्स होते हैं, मैं ट्राई करता इन 9 स्टेप्स में से जितने स्टेप्स हो सकते हैं उतने स्टेप्स में मैं AI का हेल्प लेता। और कैसे मैं वो करता, अभी मैं आज वही आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। बस एक बोनस टिप है जो मैंने पहले भी बोली है बट रिपीट करूंगा कि आप ट्राई करना कि पूरा स्टार्ट से लेकर एंड तक सिर्फ AI पे बेस्ड ना रहे आपका कंटेंट। उसके अंदर आपका खुद का अपनापन भी कुछ होना चाहिए, मे बी आपका खुद का वॉइस ओवर या फिर मे बी आपके खुद के फोटो या फुटेजेस। बिकॉज आपको पता ही होगा कि अगर हम लोग पूरी तरीके से सिर्फ AI का कॉन्टेंट बनाएंगे तो हो सकता है वो कॉन्टेंट आज नहीं तो कल इररिलेवेंट हो जाए, लेकिन अगर आप अपने आप को डालोगे अपने कॉन्टेंट में तो आपकी जो यूनिकनेस है वो आपको आगे लेके जाएगी। मैंने कहीं तो एक कोट सुना था इससे रिलेटेड, बहुत इंटरेस्टिंग था, कि आपको है ना ट्रेंड का यूज़ तो करना चाहिए लेकिन ट्रेंड का यूज़ करना चाहिए अपने आप को ऊपर लेके आने के लिए। जैसे कि अभी AI का ट्रेंड चल रहा है तो आप AI का यूज़ करो बट उसके साथ साथ अपने आप को ऊपर लेके आओ। जैसे कि कहीं ना कहीं ये चैनल में मैं भी कर रहा हूँ, देखो ये जो पूरा वीडियो ही है मैं इसके अंदर AI की हेल्प लेने वाला हूँ, आपको भी AI से रिलेटेड बातें बताने वाला हूँ, बट एट द एंड इसमें मेरा नाम भी हो रहा है, ज़ीशान शेख का भी नाम हो रहा है, मेरा ब्रांड बन रहा है। ऐसी आप भी जब भी AI का यूज़ कर रहे हो तो मेक श्योर करना कि आपका खुद का नाम या आपका ब्रांड ट्रेंड ऊपर लेके जाए। और ये चीज़ नोटिस करना, कई सारे बड़े बड़े प्लेयर्स करते ही हैं, वो लोग ट्रेंड का यूज़ करते हैं अपने ब्रांड को ऊपर लेके जाने के लिए या फिर अपने आप को ऊपर लेके जाने के लिए। और यही बोनस स्टेप है जो आपको फॉलो करना चाहिए। चलो अब बहुत सारी बातें होगी, अब स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकली वो पूरे 9 स्टेप फॉलो करना जिससे आप 2024 में अपना खुद का चैनल क्रिएट कर सकते हैं। देखो ऑब्वियसली पहला स्टेप आता है डिफाइनिंग अ नीश। आप कोई सा भी रैंडम टॉपिक पर अगर वीडियोस बनाते रहोगे तो सब्सक्राइबर्स नहीं आएंगे। देखो सब्सक्राइबर्स को एक चीज़ पता होनी चाहिए कि यार ये चैनल किस बारे में है। जैसे सीकेन चैनल बुक समरी के बारे में है, जैसे ज़ीशान शेख चैनल है, यहाँ पे हम लोग बिजनेस कंटेंट और AI से रिलेटेड ज़्यादा बातें करते हैं, तो आपको एज अ व्यूअर पता है कि यहाँ पे इस टाइप का कंटेंट मिलेगा। ऐसी अगर आप चाहते हो कि लोग आपको सब्सक्राइब करें, रेगुलरली आपके वीडियोस देखें, तो आपको एक नीश डिफाइन करके रखनी पड़ेगी एटलीस्ट स्टार्टिंग में। तो अब नीश कैसे डिफाइन करा जाए? नीशेस आपको उस फील्ड में करनी चाहिए जिसमें आपका बहुत ज़्यादा पैशन है, जिसमें आपको लगता है कि आपको ना बहुत ज़्यादा आपके अंदर इमोशन है उस टॉपिक से रिलेटेड। जैसे मैं बुक्स को लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ तो इसीलिए मेरे लिए बुक समरी चैनल क्रिएट करना एक बहुत लॉजिकल था। वैसे अगर आपको बिजनेस में इंटरेस्ट है, क्रिकेट में इंटरेस्ट है या कोई भी चीज़ में इंटरेस्ट है तो आप उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस क्रिएट करना स्टार्ट करो। और इसके साथ साथ आप AI का भी हेल्प ले सकते हो। जैसे कि अगर आप ChatGPT में जाकर देखोगे कि गिव मी सम गुड नीशेस दैट आई कैन फॉलो इन 2024, प्रॉम्प्ट देके भी देखोगे तो आपको कई सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। आप ट्राई करो इनमें से जो भी ऑप्शंस मिलते हैं एक एक करके आप अपने आप को 1 to 10 लेके स्केल करो, नंबरिंग करो कि आपको उस टॉपिक से रिलेटेड कितना ज़्यादा इमोशनल वैल्यू आपकी आप होल्ड करते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है 1 to 10, और ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 मे बी 5 मे बी 6। वैसे अगर मैं बुक्स की बात करूँ तो ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 मेरे लिए 9 पे होगा या फिर 10 पे होगा। ऐसी आप स्केलिंग करोगे तो आपको धीरे धीरे नैरो डाउन कर पाओगे कि आपको कौन सी चीज़ में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है। एक बार आपका नीश नैरो डाउन हो गया तो उसके बाद ट्राई करना कि आप उस नीश से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग सा नाम रख सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने डिसाइड किया कि मेरा जो चैनल होगा वो मोटिवेशनल चैनल होगा स्टोरीज से रिलेटेड, तो मैं ये 2 कीवर्ड का यूज़ करके ऐसे देखो बहुत सारे नेम जनरेट कर सकता हूँ एक AI वेबसाइट की हेल्प से जिसका नाम है नेमलिक्स। देखो जब भी आप नेमलिक्स में जाओगे तो यहाँ पे लिख के आता है बिजनेस नेम जनरेटर, यहाँ पे आप अपने कीवर्ड्स डाल सकते हो जैसे कि मोटिवेशन स्टोरी। मैं सिर्फ 2 कीवर्ड ही डाल रहा हूँ, आप और बहुत सारे कीवर्ड्स डाल सकते हो। इसमें सिलेक्ट का स्टाइल पूछता है तो मैंने उसको ऑटो रखा है, रैंडमनेस मैंने मीडियम रखा है, और ब्रांड मैंने ब्रांड इन्फो यही है। यहाँ पे आप एक शॉर्ट 1 लाइन सेंटेंस भी डाल सकते हो कि अ यूट्यूब चैनल दैट टीचेस लाइफ लेसन विद स्टोरीज। और यहाँ पे क्लिक करना रहता है चेक डोमेन का, अगर आपको चाहिए कि आपको उसी नाम का डोमेन भी मिल सके तो अगर आप ये टॉगल दबा दोगे तो आपको ऐसे ही नाम रिकमेंड करे जाएंगे जिसके डोमेन नेम भी अवेलेबल है, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पे। तो ये थोड़ा टाइम करता है जनरेट करने के लिए, और उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पे देखो ऐसे कई सारे आपको बहुत इंटरेस्टिंग नाम मिल जाएंगे जिससे आप हार्ट करके सेव भी कर सकते हो, तो यही आपको सेव नेम्स में दिख जाएगा। अच्छा एक और इंटरेस्टिंग चीज ऐड ऑन करना चाहूँगा, ये सारे जो स्टेप्स हैं ना अगर आप उसके बारे में डिटेल में सीखना चाहते हो तो लिंक में एक वीडियो होगा जहाँ हमने डिटेल में इसके बारे में ये सारी चीज़ों के बारे में बताया, आप वो वीडियो भी जाके देख सकते हो। थर्ड स्टेप में 2 चीज़ें आपको करनी है, पहले तो ऑब्वियसली टॉपिक सिलेक्ट करना है, आपने चैनल बना लिया, नीश डाउन कर लिया है, आपका चैनल का नाम भी आ गया, अब उसमें आपको वीडियो डालना है। वीडियो डालने के लिए आपको अगेन टॉपिक्स चाहिए होंगे, टॉपिक्स के लिए आप अगेन ChatGPT या फिर Bard की हेल्प ले सकते हो या फिर सिंपल गूगल भी कर सकते हो, जहाँ पे आप लिख सकते हो कि गिव मी सम इंटरेस्टिंग टॉपिक्स टू कवर ऑन अ मोटिवेशनल चैनल विद स्टोरीज।
तो अभी देखो जैसे मैंने रैंडमली आपको कोई एक वर्ड बोला, अब इसी चीज को आप चैट जीपीटी में डाल के रीजनरेट करने बोल सकते हो कि इसको और सर्चेबल बना दो और रिफ्रेस कर दो अच्छे से, क्योंकि मैं अच्छे से रिफ्रेस नहीं कर पाया। अगेन चैट जीपीटी का हेल्प से ये भी कर लोगे आप, फिर उसको ही आप चाहिए तो गूगल पे सर्च करो, चैट जीपीटी पे सर्च करो, वो आपको इंटरेस्टिंग टॉपिक दे देगा। अब उसी इंटरेस्टिंग कोई भी टॉपिक को पकड़ो और आप चले जाओ अपनी स्क्रिप्ट लिखने के लिए। और स्क्रिप्ट लिखने के लिए वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल चीज़ जो आप कर सकते हो स्क्रिप्ट लिखने के लिए, वो है अपने वीडियोस में स्टोरीज डालना। और स्टोरीज के लिए आप एक AI टूल का हेल्प ले सकते हो जिसका नाम है story.ai.cc। यहाँ पे जब आप जाओगे ना तो यहाँ पे देखो वो खुद आपसे पूछेगा कि टेल अस व्हाट यू वांट द स्टोरी टू बी अबाउट। तो यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग जॉनर्स दिए हुए हैं, जैसे रोमांस, क्राइम, मिस्ट्री। आप क्या चाहते हो, आपकी स्टोरी कौन सी टाइप की रहे? तो चलो मैंने एडवेंचर सेलेक्ट कर लिया फॉर एग्जांपल। फिर इसके बाद आप अगर आप चाहते हो तो आप यहाँ पे अपने कैरेक्टर्स को भी डिफाइन कर सकते हो, जैसे कि अगर आपको आपकी स्टोरी में कौन चाहिए। मैंने यहाँ पे लिख दिया जैसे कि रॉबर्ट 42 ईयर्स का मेल, एक काइंड हार्टेड मैन विद अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू विन। ऐसा कुछ भी आप मतलब डिफाइन कर सकते हो कि वह कैरेक्टर कैसा है, शाय है, बोल्ड है। एक काम करते हैं, इसे हम बना देते हैं अ शाय पर्सन इंट्रोवर्ट। अब रॉबर्ट के साथ उसकी वाइफ भी है जिसका नाम मे बी है रूबी। इसकी एज है हमने डाल दिया मे बी 35, जेंडर फीमेल। अब ये कैसी है, अ स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन हु loves her husband very much। अब इसमें आप सिलेक्ट भी कर सकते हो कि मेन कैरेक्टर कौन रहेगा, ठीक है। ये कर लिया, आपको और कैरेक्टर्स ऐड करने तो वो भी कर सकते हो, बट फिर उसके बाद आप जा सकते हो कि पूछ सकते हो कि ये स्टोरी कब की है। तो मैंने जैसे लिख दिया 1835 की, समझो फॉर एग्जांपल स्टोरी कहाँ पे हो रही है, ये पैसिफिक ओशन में हो रही है। चलो इंडियन ओशन ले लेते हैं ना, अपना इंडियन ओशन में हुई ये हो रही है। और क्या होता है, स्टोरी का थीम क्या है, कॉन्फ्लिक्ट, कैरेक्टर क्या हो रहा है। तो बेसिकली दीज कपल वर गोइंग ऑन हनीमून और एंड देन अ स्टॉर्म ब्रोक देयर शिप एंड नाउ दे हैव टू सर्वाइव अलोन ऑन एन डेंजरस आइलैंड। तो मैंने थीम भी डाल दिया। कोई स्पेशल रिक्वेस्ट अगर आप करना चाहते हो स्टोरी में और कुछ होना चाहिए तो lot of problems in surviving but they smartly handle all situation and survive। तो मैंने ऐसे कुछ थोड़ा डिटेल ही दे दिया, आपको इतना डिटेल देने की भी ज़रूरत नहीं है, बट ऐसे ही कर दोगे तो भी आप ब्रेनस्टॉर्मिंग आइडियाज़ वो करेगा और आपको बहुत सारे डिफरेंट टेम्पलेट्स दे देगा जिसके बेसिस पे आप अपनी स्टोरी क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे देखो कई सारे अलग अलग फॉर्मेट उसने दे दिया, हम ये वाला पकड़ लेंगे। अभी देखो ये आपको छोटा सा एक शॉर्ट में बता देगा कि स्टोरी कैसे क्रिएट करने की कोशिश करने वाला है। अगर आपको वो वाली पसंद आती है वो क्रिएट करोगे, फिर आपके पास क्रेडिट होगी, उसको आप जनरेट फुल स्टोरी पे क्रिएट करोगे तो आपको एक डिटेल स्टोरी बना के दे देगा। अब देखो यहाँ पे एक इशू यही है ना कि स्टोरी AI में एक ही क्रेडिट है, लेकिन यहाँ से ना आप एक चीज़ समझ सकते हो, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यही चीज़ों को कॉपी करो और कॉपी पेस्ट करके चैट GPT में डाल दो। चैट GPT को बोलो कि मेक अ लॉन्ग स्टोरी अबाउट दिस और वो आपको करके दे देगा। अगेन ये एक प्रो टिप थे, तो अगर आपको ये पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को। अच्छी स्क्रिप्ट लिखने के लिए आपको स्टोरीज चाहिए, स्टोरीज के साथ साथ आप रिसर्चेस भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपने रिसर्च मटेरियल डाल दिया तो वो आपके टॉपिक को और ज़्यादा ऑथेंटिक बना देगा। और रिसर्च करने के लिए आप एक टूल का यूज़ कर सकते हो जो है Perplexity। Perplexity की अच्छी बात यह है ना कि ये आपको बहुत कंसाइज डेटा देता है और आपको रेलेवेंट डेटा देता है आज के हिसाब से। चैट GPT में आपको पता होगा उसका डेटा बेस थोड़ा पुराना है, लेकिन अगर आपको लेटेस्ट में न्यूज़ चाहिए, लेटेस्ट चीज़ों के बारे में रिसर्च पेपर्स चाहिए, तो Perplexity इसका यूज़ कर सकते हो आप रिसर्च करने के लिए अपने कॉन्टेंट के बारे में। अगेन इसके बारे में डिटेल में जानना है तो मैंने एक वीडियो बनाया, वो जाके आप चेकआउट कर सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। अब आ जाते हैं हम स्टेप 4 पे, जो है क्रिएटिंग वॉइस ओवर। सो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आप खुद से वॉइस ओवर करना स्टार्ट करो अपनी आवाज़। हम क्या कर रहे हैं कि फेमस लोगों की आवाज़ यूज़ कर सकते हैं, सही बात है, बट आप क्यों ना अपनी आवाज़ को भी फेमस बनाने की थोड़ी बहुत तो कोशिश करो। स्टार्टिंग में आप थोड़ा वॉइस ओवर आप खुद करने की कोशिश करो, फिर आप एक AI टूल का हेल्प ले सकते हो जो है 11labs। तो वहाँ पे अगर आप अपने ऑडियोज़ डालोगे उसके बाद आपको रिकॉर्डिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है। एक टाइम बाद आप 11labs का ही यूज़ करके क्या होगा, 11labs आपकी वॉइस में ही स्क्रिप्ट को ऑडियो फॉर्मेट में बना देगा, रीजनरेट करके दे देगा, जो आप फ्यूचर में यूज़ कर सकते हो वीडियोस में। तो ये कर सकते हो, बट अगर आपको ऐसा है कि आपको अपनी वॉइस यूज़ ही नहीं करना है ड्यू टू एनी रीजंस, तो भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, AI टूल्स हैं जिसका आप यूज़ कर सकते हो टेक्स्ट टू स्पीच क्रिएट करने के लिए। जैसे कि एक टूल है मर्फ जो मल्टीपल AI वॉइसेस देता है और उसके अंदर स्पीच की स्टाइल्स भी आप चेंजेस कर सकते हो। फिर एक है रिसेंबल,
रिसेंबल बेसिकली क्या करता है, एक रियलिस्टिक एआई वॉइसेस देता है जो रियल लोगों से मिमिक करके बनाई गई है। फिर एक और टूल है voicify.ai, आपने देखा होगा ना कि नरेंद्र मोदी जी के कई सारे सॉन्ग्स हिट हो रहे हैं, या फिर अरिजीत सिंह, या फिर मोहम्मद रफ़ी साहब, ऐसे कई सारे लोगों के आपने देखा होगा। अभी एक गाना हिट हुआ था लुटपुट गया मोहम्मद रफ़ी जी के आवाज़ में, तो वो सारी चीज़ें इस प्लेटफॉर्म पर की जा सकती है जो है voicify.ai। यहाँ पे ऐसी बहुत सारी चीज़ें की जा सकती है, आप उसको भी यूज़ करके ज़रूर देख सकते हो। इनफैक्ट मुझे लगता है अगर आप इसका भी यूज़ करके बहुत अच्छे कंटेंट क्रिएट कर सकते हो जो वायरल हो सकते हैं। और अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है तो आई बटन डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप चेकआउट कर सकते हो। फिर आ जाते हैं, एक बार आपके पास वॉइस आ गई है तो हमें क्या चाहिए नेक्स्ट, जो चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वीडियोज़ के लिए वो है ऑब्वियसली विजुअल्स। विजुअल्स में आते हैं हमारे इमेजेस या फिर वीडियोज़। अब ये जनरेट करने के लिए ऑब्वियसली जो वन ऑफ़ द बेस्ट टूल मैंने यूज़ किया है वो है मिड जर्नी। आप मिड जर्नी का यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे आप अलग अलग प्रॉम्प्ट डाल के आप इमेजेस क्रिएट कर सकते हो जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं। आपने नोटिस करा होगा हम लोग भी बहुत ज़्यादा मिड जर्नी का यूज़ करते हैं, पर्सनली अभी भी यूज़ कर रहे हैं थंबनेल क्रिएट करने के लिए, या फिर वीडियोज़ में भी हम लोग कई सारे इमेजेस डालते हैं जो मिड जर्नी के यूज़ से बनता है। अब मिड जर्नी के ऊपर डिटेल में कैसे बनता है उसको भी बारे में जानना है तो हमने वीडियो बनाया, वो भी आई बटन डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक दे दूंगा। बट अभी यहाँ पर डिटेल में नहीं जाऊँगा कि मिड जर्नी का यूज़ कैसे करना है, बट ये है कि आप मिड जर्नी का अच्छे से यूज़ कर सकते हो। और कुछ ऑल्टरनेटिव भी बता दो आपको, तो ब्लू विलो AI है, Leonardo.ai है, DALL-E 3 है, ये सारी चीज़ों का आप यूज़ करके अपने लिए इमेजेस क्रिएट कर सकते हो। और हमने इन सारे टूल्स के ऊपर डिटेल वीडियो बना के रखा है, तो अगर आप उसमें इंटरेस्टेड रहोगे वो सीखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, वहाँ से जाके आप देख सकते हो। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप में। यहाँ से चलो आपने इमेज जनरेट कर लिया, लेकिन अगर आपको उसके अंदर एक वीडियो वाला इफेक्ट चाहिए, मतलब कुछ मूविंग हो रहा है थोड़ा सा, आपको थोड़ा बहुत एनिमेट कर देना है, तो इसके लिए आप रनवे ML का यूज़ कर सकते हो। तो रनवे ML का आप यूज़ कर सकते हो अपने इमेजेस में थोड़ा मोशन डालने के लिए। वैसे इसमें और बहुत सारी चीज़ें होती है रनवे ML में, जैसे कि आप इसमें कई सारे वीडियो एडिटिंग के टास्क कर सकते हो, ऑब्जेक्ट को रिमूव करना है तो वो भी कर सकते हो, कलर ग्रेड करना है तो वो भी कर सकते हो, स्लो मोशन ऐड करना है तो वो भी कर सकते हो, ये सारी चीज़ों का यूज़ आप कर सकते हो। अब इसके भी कुछ अल्टरनेटिव आपको AI टूल्स बता दूँ इसके बारे में, तो है convert.layapix.com, इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं मुझे नहीं पता, बट ऐसे ही कुछ है। इसमें भी आपको ना एक 3D मोशन मिल जाता है, AI इमेजेस में एक मोशन सा आ जाता है, जैसा कि आप अभी स्क्रीन में ये देखो ये सारे इमेजेस में देख सकते हो। फिर एक और टूल है जिसका हमने पहले भी यूज़ किया है, DID.com है। यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि जैसे कि टॉकिंग हेड वाला अगर आपको फील चाहिए, जैसे मैं बोल रहा हूँ मेरा मुंह हिल रहा है, वैसे अगर आपको चाहिए कि कोई कैरेक्टर हो जिसका मुंह हिले और ऐसा लगे कि वो बोल रहा है ना, इसके ऊपर आपने इंस्टाग्राम और कई जगह पे इसके रिलेटेड वीडियोस देखे होंगे जहाँ पे मॉन्क्स बात कर रहे हैं या फिर AI कैरेक्टर्स बात कर रहे हैं, वो चीज़ करने के लिए आप DID.com का यूज़ कर सकते हो। अगेन इसका भी अल्टरनेटिव है, हाइजन भी एक और अल्टरनेटिव है जहाँ से आप यही सेम चीज़ को एकम्प्लिश कर सकते हो। मतलब अगर आपको चाहिए कोई इमेज वो मूविंग वाला, मतलब फेस बोल रहा है वैसी वाली फील चाहिए, तो हाइजन से भी ये चीज़ की जा सकती है। एक और टूल है मून वैली, जिसके बारे में शायद आपने नहीं सुना होगा, तो मून वैली भी है और एक और चीज़ है जिसका नाम है पिका लैब्स। तो ये सारे टूल्स भी है जिसका आप यूज़ कर सकते हो अपने इमेज को वीडियोस वाला इफेक्ट डालने के लिए, जो कई सारे लोग कर करके काफ़ी इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स क्रिएट कर रहे हैं, ट्रस्ट मी। और हम भी इसका अपने वीडियो में देखा होगा, हमने इसका यूज़ किया है। एक और है Domo.ai, ये नॉर्मल फुटेजेस को स्टाइलिश एनिमेशन में कन्वर्ट कर देता है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी मैंने रिसेंटली एक रील देखा था जहाँ पे एक लड़का था और वो लड़का जो चीज़ कर रहा था वही चीज़ सेम उसकी एनिमेशन बन जा रही थी, वो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। इसका मैंने एक रील देखा था जो बहुत ज़्यादा वायरल भी हुआ। ये कैसे करते हैं, वेल इसके पीछे का जो टूल है वो है Domo.ai। इससे आप अपने कोई भी नॉर्मल फुटेजेस जो आप रिकॉर्ड करते हो उसको एनिमेशन स्टाइल में कन्वर्ट कर सकते हो, और एनिमेशन स्टाइल भी कई सारे अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे पिक्सल वाला आर्ट हो गया, एनिमे स्टाइल होता है, ऐसे कई सारे यहाँ पे स्टाइल्स बताए गए हैं जिसमें आप अपने नॉर्मल फुटेज को कन्वर्ट कर सकते हो। एंड ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मुझे लगता है काफ़ी इसके अंदर भी काफ़ी पोटेंशियल, अगर आप इसको इंटरेस्टिंगली क्रिएटिव तरीके से यूज़ करोगे तो ऐसे बहुत इंटरेस्टिंग आपके वीडियोज़ बन सकते हैं। नेक्स्ट है, एक बार आपका वीडियो भी क्रिएट हो गया तो एक चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के टाइम पर, वो है कैप्शंस। क्योंकि आपने नोटिस करा होगा आजकल ज़्यादातर लोग कई बार ट्रैवल करते हैं तब भी अपना मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं, शायद जहाँ पे उनको वॉइस बराबर सुनाई ना दे, मे बी उनके पास हेडफोन्स नहीं है, तो हमें उनका भी कंसिडरेशन करके हमेशा अपने वीडियोज़ में हो सके तो कैप्शंस डालने ही चाहिए। और कैप्शंस डालने के लिए आप बहुत सारे टूल्स का यूज़ कर सकते हो, जैसे कि है तीन टूल के बारे में मैं आपको बताऊँ तो स्पेसिफिकली, एक है अपना ClipChamp जिसका आप यूज़ कर सकते हो, दूसरा है captions.ai और थर्ड है vid.io। इनमें से तीनों में से पर्सनली हमने सबसे ज़्यादा जो हमें पसंद आता है, जो हमारी टीम को पसंद आता है, वो है captions.ai। अब इसको भी कैसे अगर आपको यूज़ करना है, इसके बारे में डिटेल में जानना है तो ये स्क्रीन पे आप स्टेप बाय स्टेप देख सकते हो, प्लस इसके ऊपर वीडियो बना है, आई बटन डिस्क्रिप्शन में उसको आपको लिंक मिल जाएगी। अब आ जाते हैं step 8 में। आपका वीडियो बनकर रेडी है, captions रेडी है, लेकिन एक चीज़ के बिना आजकल वीडियोज़ अधूरे लगते हैं, जो है साउंड इफेक्ट्स और SFX। म्यूज़िक के लिए बेसिकली, म्यूज़िक आपके वीडियोस में होना कई बार उसको बहुत ज़्यादा वीडियो पे चार चांद लगा देता है। म्यूज़िक यूज़ करने के लिए अगेन मैं आपको तीन सॉफ्टवेयर्स बताता हूँ, तीन AI टूल्स बताता हूँ जिसके हमने भी यूज़ किया जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें से पहला है Bitowen.ai, इसका यूज़ कर सकते हो। एक है स्टॉफ और तीसरा है मुबर्ट।
सो बिटोवन और स्ट्रोफ में आपको अपनी म्यूजिक खुद से क्रिएट करनी पड़ती है, उसको डेटा देके प्रॉम्प्ट देके आपको वहाँ पे क्रिएट करना पड़ता है। लेकिन जो मूवमेंट है वहाँ पे ना ऑटोमेटिकली आपको 25 न्यू म्यूजिक मिलते रहती है जो आर्टिस्ट लोग बना के डालते रहते हैं। तो ये चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग हम लोगों को लगी है, जो हम लोग कई बार यूज़ करें हमने। बस फिर आ गया एंड में हमारा वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर। ये सारी चीज़ों को अगर आपको कंपाइल करना है, एक साथ लाना है और पूरा एक फाइनल प्रोडक्ट क्रिएट करना है एज अ इंटरेस्टिंग वीडियो, जहाँ पे वीडियो भी चल रहा है, म्यूजिक भी आ रही है और सब कुछ बराबर से चल रहा है, तो इसके लिए आपको एडिटिंग के लिए फ्री टूल्स है। पहले मैं आपको फ्री टूल बता दूँ तो वह है कैपकट। कैपकट की अच्छी बात यह है कि आप उसको मोबाइल में भी यूज़ कर सकते हो और डेस्कटॉप पे भी यूज़ कर सकते हो इसको। अगर आप पेड वाले में इंटरेस्टेड हो तो आप प्रीमियर प्रो भी यूज़ कर सकते हो। अच्छा, कैपकट की एक चीज़ यही है कि कैपकट इंडिया में बैन है, तो उसके लिए आपको जुगाड़ करना पड़ेगा। जुगाड़ के लिए आप VPN का यूज़ कर सकते हो और VPN के कुछ मैं आपको ये इधर पे दिख रहे होंगे, ये सारे टूल्स है VPN का, फ्री टूल्स जो आप यूज़ कर सकते हो एज अ VPN। एक बोनस टिप यहाँ पे है कि अगर आप अपने विजुअल्स में ना स्नो इफेक्ट या फिर रेनिंग वाला इफेक्ट ये सारी चीज़ें भी डाल दोगे तो वो और पावरफुल बन जाता है। अच्छा, सारा वीडियो क्रिएट हो गया, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ कई बार लोग मिस कर देते हैं जिसकी वजह से उनका वीडियो कभी हिट नहीं होता है, वो है अच्छा थंबनेल ना बनाना। अब थंबनेल बनाने के लिए भी आप दो टूल्स का यूज़ कर सकते हो जो हम लोग भी यूज़ करते हैं, मैं पर्सनली भी मैंने यूज़ किया है। पहला तो ऑब्वियसली जो सबसे सिंपल वाला है वो है कैनवा। कैनवा का यूज़ कर सकते हो, उसके ऊपर कई सारे ट्यूटोरियल्स आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पे इजीली अवेलेबल, वहाँ से जाके आप थंबनेल्स क्रिएट कर सकते हो इंटरेस्टिंग वाले। इसके साथ साथ एक और जो इंटरेस्टिंग टूल है वो है डिज़ाइनर माइक्रोसॉफ्ट। डिज़ाइनर माइक्रोसॉफ्ट की एक इंटरेस्टिंग बात क्या है, जैसे मिड जर्नी जैसा ही टूल है बट उससे बहुत ज़्यादा अलग है और इंटरेस्टिंग भी है। क्यों? क्योंकि मिड जर्नी में जब भी आप प्रॉम्प्ट डालते हो, कुछ भी बनाते हो, तो आपको एक इमेज मिल जाती है, बस मिल जाती है, उसको ही आपको यूज़ करना है। या फिर आप ये कर सकते हो कि नया प्रॉम्प्ट डालो और नए से अपने क्रेडिट को वेस्ट करो या फिर जो भी अवेलेबल है उसको वेस्ट करो। बट उससे बेटर यहाँ पे क्या है कि आपको जो भी इमेज यहाँ पे जनरेट होगा ना उसको आप एडिट कर सकते हो। जस्ट लाइक कैनवा में कैसे आप एक एक एलिमेंट को एडिट कर सकते हो, वैसे ही यहाँ पे भी आप अपनी इमेज पे जो एलिमेंट्स है उनको आप एडिट कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो, जो कि मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने जब स्टार्टिंग में AI यूज़ करना स्टार्ट किया था तो मुझे ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम लगी थी मिड जर्नी और ये सारी चीज़ों में, बिकॉज मुझे बस कुछ छोटी छोटी चीज़ों को चेंज करना था, ज़्यादा चेंजेस नहीं करना था, बट वो मैं कर नहीं पा रहा था कितना भी मैं प्रॉम्प्ट दे लूँ फिर भी। तो यहाँ पे डिज़ाइनर माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पे बहुत अच्छा काम करता है और बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से इसका आप यूज़ कर सकते हो। बस यही थे 9 स्टेप, जहाँ पे मैंने एक्चुअली बोनस में आपको एक और स्टेप बता दिया है। तो यही स्टेप्स का मैं यूज़ करता हूँ अगर मुझे आज YouTube चैनल क्रिएट करना होता तो, ट्रस्ट मी, इन सारे AI टूल्स का मैं यूज़ करने की कोशिश करता। हाँ, मैं सारे के सारे शायद नहीं कर पाता, लेकिन ट्रस्ट मी, इनमें से जितने टूल्स हो सकते थे उतना टूल्स मैं यूज़ करता। क्यों? ताकि इससे मेरा टाइम बच सके और मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट क्रिएट कर सकूं। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको कौन से टॉपिक से रिलेटेड और इंटरेस्ट आ रहा है, आपको चाहिए कि मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊं AI से रिलेटेड, वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।